दोस्तों यहाँ पर शाओमी ने भी अपना यहाँ पर नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जिसका नाम है रेडमी नोट 9। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यह फोन आपके लिए लेने अच्छा है या नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर डिस्प्ले सही यूज किया गया है, प्रोसेसर कौन सा किया गया है, डिस्प्ले मतलब बैटरी है सही ली गई है नहीं ली गई है, और साथ ही साथ दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन आपके लिए लेना सिक्योर है या नहीं, आपका जो डाटा प्राइवेसी जो यहाँ पर चल रहा है आप पे, मतलब जो बैन ऐप हो चुकी है वो भी यहाँ पर इसमें आई है या नहीं आई है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी काम की होने वाली है ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, डिस्प्ले आपको यहाँ पर कौन सी क्वालिटी का मिल रहा है, सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आपको डिस्प्ले यहाँ पर 6.53 इंचेस का मतलब यहाँ पर पंच होल कटआउट के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि एक आईपीएस पैनल एलसीडी के साथ में है। तो दोस्तों डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा मतलब इस प्राइस के हिसाब से ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो पंच होल मिल रहा है उसमें आपको सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। ये हो गई फ्रंट की बात, बैक की बात कर ले, बैक में आपको यहाँ पर डिजाइन काफ़ी अच्छा है, वैसे कॉपी पेस्ट है, आपको बताऊंगा मैं आगे किसका कॉपी पेस्ट है, आपको सब दिख गया होगा दोस्तों यहाँ पर शक्ल देखने पर ही, उसकी यहाँ पर मतलब जो चेहरा देखा है पीछे का सब कुछ देखा है तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा किसकी कॉपी है। यहाँ पर कैमरे की बात करें बैक साइड में, तो कैमरा दोस्तों आपको यहाँ पर क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा, जहाँ पर मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और फोर्थ कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे कैमरा काफ़ी अच्छा ठीक है ठाक है जो भी है यहाँ पर इस हिसाब से, ये तो कॉपी पेस्ट यही चार ही कैमरे चल रहे हैं आज के ज़माने में, 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल 5 2 2 2 ऐसे चलते रहते हैं ये कैमरे में। और दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें सी के बाद, तो दोस्तों प्रोसेसर आपको यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो G85 देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर मतलब गेमिंग के लिए बनाया गया है वैसे प्रोसेसर, लेकिन इतना खास प्रोसेसर नहीं है दोस्तों इस प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो इसका भाई है मतलब जो भाई कजन भाई है ये चाचा भतीजे ये जो जिसका नाम है पोको M2 Pro, वो भी आपको यहाँ पर AC के साथ में मतलब सारी चीजें यही देखने को मिलेगी दोस्तों, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है इस फोन के बिहाफ पे अगर इस प्राइस रेंज में जाते हो तो। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या मतलब कौन से या फिर प्रोज है जो भी दोनों फोन्स में, आप यहाँ पर देखते रहिए वीडियो को। इसी के साथ दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कि प्रोसेसर कौन सा लेना सकते थे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 या फिर 712 ये यहाँ पर 7 सीरीज वाला प्रोसेसर ले सकते थे, अगर ये नहीं लेना मीडियाटेक ही लेना सस्ता प्रोसेसर यूज करना है उनको तो दोस्तों यहाँ पर वो ले सकते थे मीडियाटेक का ही लिया जो G90 सीरीज है उस फोन का, उस वाले प्रोसेसर की सीरीज में ले सकते थे, जैसे G90 ले लिया G90T ले लिया, ये प्रोसेसर आप यहाँ पर ले सकते थे यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट बनाने के लिए। वैसे दोस्तों यहाँ पर इस प्राइस के हिसाब से मतलब मुझे तो नहीं लगता प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लिया गया है इसी के हिसाब से। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी आपको यहाँ पर 5020 mAh की देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट के साथ में 22.5 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, चार्जर काफ़ी फास्ट है इस प्राइस के हिसाब से, चार्जर के लिए मैं यहाँ पर इसे थम्स अप देता हूँ। बाकी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बात कर ले उसके बाद यहाँ पर मतलब इसमें क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए, वो है दोस्तों यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे बेसिकली आप इस फोन को जैसे देखोगे, मैंने यहाँ पर वीडियोज़ देखी, सिक्योरिटी में जाओगे आप क्लीनर में जाओगे उसके बाद सेटिंग्स में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर डेफिनेशन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो चाइना वर्सेज इंडिया मतलब जो चाइनीज फोन है उनके वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपको यहाँ पर जो क्लीन मास्टर की डेफिनेशन है फिर भी वो यूज करता है इसको बैन होने के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, क्लीन मास्टर इंडिया में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, जो 59 ऐप्स थी उसमें से एक ये भी था चीता मोबाइल का क्लीन मास्टर, वो भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है, फिर भी कंपनी इसे यूज करी है, मतलब इसकी तरफ से ना तो शाओमी का कोई अपडेट है ना ही रेडमी का कोई अपडेट है, किसी ने यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं किया है कि हम इसे फिक्स करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर मी कम्युनिटी भी देखने को मिल जाएगा, जिसका यहाँ एम आई कम्युनिटी बोल सकते हो। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर क्लीनर यूज करना है, सपोज मतलब आप सपोज कर लो कि यूज करना है लेना ही है मोबाइल में, सब एंड्रॉइड स्मार्टफोन होते हैं स्मार्ट है वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर लेगा, इसलिए उसका नाम स्मार्टफोन है दोस्तों। वो अगर मान लो लेना ही है तो आप गूगल का फाइल्स गो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, यहाँ पर जो जंक फाइल्स होती है जो भी होता है वो यहाँ पर यूज कीजिए, गूगल का है और मतलब जो है इतना बड़ा मार्केट है गूगल का वो यूज़ कीजिए, यहाँ पर आप खुद जो बैन हो चुके हैं उनको क्यों यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों इसी हिसाब से अगर देखा जाए जो पोको M2 Pro था और यहाँ पर जो Redmi Note 9 है ये जो लॉन्च हुआ है, इन दोनों में दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए इशू उठाइए, यहाँ पर पहले हेलो ऐप थी और यहाँ पर चीता क्लीन मास्टर की डेफिनेशन दोनों में यूज़ की गई है। और दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँ कि अगर दोनों फोन अगर आप एक तरह से सपोज कीजिए बस
कि मतलब स्पेसिफिकेशन आपको पोको एम टू प्रो में ज़्यादा मिल जाएगी इसी प्राइस के हिसाब से देखने में आपको यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसमें थोड़ा स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, वही प्राइस वही सारी चीज़ें, कॉपी पेस्ट डिज़ाइन वही वही कैमरा, बस ये है कि फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपने रियर कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको स्पेसिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ, बस आप मेरी बात क्लियर सुन लिए, नहीं तो आप मुझे यहाँ पर ब्लेम करने लग जाओगे कमेंट में, भाई तो चाइनीज सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पर पोको एम टू प्रो में जा सकते हो, अगर लेना हो तो स्पेसिफिकेशन, बस अगर आपको सिक्योरिटी आपका डाटा सेफ रखना है तो आप यहां पर दोनों फोन्स में आपको प्रिफर नहीं करता कि आप लेना चाहो, क्योंकि दोस्तों यहां पर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डाटा चला जाएगा तो आप क्या करोगे, फोन के बैठ के क्या बाबा जी का ठुल्लू खेलोगे। इसी प्राइस में दोस्तों आपको यहां पर वैसे तो यहां पर काफी सारे अल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाएंगे सैमसंग की तरफ से, यहां पर वो सारे फोन से मोटोरोला के फोन से, मतलब थोड़े मोटोरोला के भी आने वाले हैं धीरे धीरे दोस्तों, यहां पर नोकिया के हैं, या इन सभी फोन में आप जा सकते हो दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों अल्टरनेटिव है। लेकिन दोस्तों आप जाना ही नहीं चाहते, दोस्तों की मेंटेलिटी ये है कि यार इसमें सस्ता मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन सस्ता मिल रहा है दोस्तों, आप सस्ते के साथ में, सस्ते के साथ साथ लेने में आप मतलब पैसा तो बचा रहे हो और साथ ही साथ दोस्तों अपना डाटा भी गवा रहे हो, अपना डाटा बेच रहे हो। यहाँ पर सिक्योरिटी के इशू है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको खुद को पता है, इतने सारे इशू चल रहे हैं, इतने सारे गवर्नमेंट बैन कर रही है, यहाँ पर 5G को भी लेट कर दिया दोस्तों, एक साल डिले गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर एक बार सोचिए माइंड से कि यार मुझे चाइनीज फोन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है या फिर सस्ता इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 2000 रुपये ऊपर दे दो लेकिन आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर ये फोन्स नहीं ले तो बहुत अच्छा है दोस्तों, मेरे हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर आप फिर भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो यार दोस्तों, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मेरा काम है आपको बताना, मैंने बता दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके लिए बहुत यूजफुल भी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।